और बस स्टैंड स्टेशन पे बतराने लगते हैं। वो चार भैया कौन कौन थे? एक भैया थे ड्राइवर और दूसरे भैया थे सब्जी वाले और एक भैया जी थे मिठाई वाले हलवाई और एक भैया थे बनिया। ये चारों भैया आपस में बतराने लगे। बोले भैया कि ये बताइए आपकी जब से शादी हुई कि आप ससुराल वापस कभी गए? बोले कि भैया शादी एक ही बार हुई और एक ही बार होती है और लेकिन हम ससुराल में जब से शादी हुई है तब से एक बार दस ही जरूर चला रही बाकी बाद में हम रह गए हमें 5-6 साल। बोले अच्छा तो भैया तुम जाओ ना जानते होंगे तुम्हारी सास कौन सी ससुर कौन से भूल गए होंगे तुम तो। बोले कि भैया नहीं ऐसी बात कुछ नहीं है, इस ससुराल वाली बात नहीं है, बात जरा सी इतनी है कि हम सबको भूल जाते हैं। हम दिन और रात बस गाड़ी चलाते हैं तो हमें सिवाय अपनी गाड़ी के कछु नहीं मालूम। हम जाए पतोक जय हमारी सास को जय हमारे ससुर जय सारो जय भाई सारी और जय हमारी बहू जो कछु है सो भाई गाड़ी है। आलू भैया जी क्या मन पे देख के सम्मान करते हैं परमात्मा बहुत बहुत धर्म की ओर बढ़ाते रहे। तो सुनिए तो जो ड्राइवर भैया जी थे तो भैया हलवाई भैया से बोले भैया मेरा तो ये हाल है। इधर सब्जी वाले भैया जी बोले भैया मेरी जरूर सुन के जाइयो। मिठाई वाले बोले मेरी भी सुन के जाइयो। जब तक बनिया तौला ताली करके आ गए हमारी भी सुन ली। हम भी 10-15 वर्ष हो गई हम भी ससुराल नहीं गए। ड्राइवर अपनी बीती बतराने लगे और हलवाई से बोले भैया बोले और स्कूटर मेरो छोटो सारो स्प्लेंडर बोले भैया बहुत अच्छे हमें खूब अच्छी लग रही तुम्हारी ससुर वाले की बात है। अरे ससुरिया ठेला सास मेरी बसुए और स्कूटर मेरा छोटो सारो भैया जो हाल हम बड़े परेशान हैं। बोले क्या अरे ससुर ये पेड़ा सासु है बर्फी पूरा दिन हो जाता है कि पेड़ा दे दो के बर्फी दे दो के रसगुल्ला दे दो के छेना दे दो ससुराल नहीं जा पाते भैया। अरे ससुर ये पेड़ा सासु है बर्फी गरम जलेली सारी और रसगुल्ला तेरा छोटो सारो सुस्ती से
चला रहे हो सबके सब, ताली बजाओ। राठौर भैया जी 11 बजे के सम्मान करते हैं इस चितकोला का। रसगुल्ला छोटो सारो छोटो सारो बीस पैसा।